आज के इस वीडियो में हम 2 रुपए के 3 रेयर सिक्के के बारे में जानेंगे, जिसका वैल्यू है टोटल लगभग 15,000 रुपीज, 15,000 रुपये। लेकिन ये 3 सिक्के क्यों रेयर है और क्यों इतना कीमती है, थोड़ा सा थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। 3 अलग अलग रेयर लायन वैरायटी। अगर नॉर्मली ऐसे आपके हाथ में अगर जानकारी आपके पास नहीं है, ऐसे नॉर्मली अगर होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि ये सिक्के इतने कीमती है। एक है 3,000, एक है 7,000 और एक है 4,000 से 5,000 रुपीज, 4,000 से 5,000 रुपये। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, शुरू से एंड तक देखिए। सिर्फ मैं लायन वैरायटी के बारे में बताऊंगा 3 सिक्के का, और मिंट मार्क वैरायटी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर और कुछ सिक्के हैं जो मेरे कलेक्शन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरा छोटा सा एक कलेक्शन का एक पार्ट है, ये म्यूल है, तो ये मैं आपसे शेयर करूंगा, आप बस वीडियो देखते रहिए। निमिस्पेस चैनल को अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, जरूर फॉलो कर लीजिए। instagram.com/निमिस्पेस, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप निमिस्पेस के डायरेक्ट इंस्टाग्राम के पेज पे आप चले जाएंगे, वहां पर आप फॉलो का बटन जो है वो ऑन कर लीजिए। निमिस्पेस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल है, जो घंटी का बटन है, उसे भी ऑन कर लीजिए, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल निमिस्पेस। यहाँ 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, 1-2 कॉमोटिव है, जैसे ये एक कॉमोटिव है, और बाकी जितने भी सिक्के हैं ये देखिए, ये डेफिनेटिव है और कॉमोटिव डेफिनेटिव, जिन्हें अलग अलग क्या होता है ये मालूम नहीं है तो बता दूँ, फोटो वाला जो भी सिक्का होता है, पिक्चर वाला जो भी सिक्का होता है, इसे कॉमोटिव कहा जाता है। विदाउट फोटो वाला या फिर ऐसे जो सिक्के होते हैं इसे डेफिनेटिव सिक्का कहा जाता है। तो आज जो भी 3 रेयर लायन वैरायटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसमें से एक है कॉमोटिव वाला और बाकी 2 है डेफिनेटिव वाला। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हैं ये है 1998 का सिक्का, ऐसा ही दिखेगा जैसे ये है 1994 का। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये है 1998, और 1998 के नीचे देखिए जो मिंट मार्क है वो है स्टार मिंट मार्क। इस सिक्के में 1998 स्टार मिंट मार्क, मतलब हैदराबाद मिंट मार्क के सिक्के में अगर ए लायन आता है, ध्यान दीजिए, अब आपको समझना है ए लायन क्या है और बी लायन क्या है, सी लायन क्या है। देखिए ए लायन अगर पहले समझते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ध्यान से समझिए, सिक्के में जो भी लायन होता है, इस लायन का जो डिज़ाइन होता है ये अलग अलग होता है। हमें तो लगता ऐसा है कि एक जैसा ही है, लेकिन नहीं, एक जैसा नहीं होता है, अलग होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये जो 2 लायन आप देख रहे हैं, अशोका लायन कैपिटल इसे कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये और ये, अगर आपको मालूम नहीं है या फिर किसी को अगर मालूम नहीं है तो एक जैसा ही लगेगा, लेकिन दोनों जो लायन आप देख रहे हैं ये एक जैसा नहीं है, अलग है। ये है ए लायन, ये है बी लायन। ध्यान से देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ। देखिए ए लायन में ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, यहाँ से ये जो लंबा लाइन्स आप देख रहे हैं, ये जो लाइन्स, ये 3 होगा, ये देखिए 1-2 और ये 3, और यहाँ पर 5 होगा, ये 1-2-3-4 और देखिए छोटा सा नीचे ये 1 है 5, ये है बी लाइन। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पर 1-2 और यहाँ पर देखिए 4, 1-2-3-4। नॉर्मल आसान तरीके से समझने के लिए, बाकी जो आँखें का जो डिज़ाइन है, ये जो आइस का जो डिज़ाइन है ये भी अलग होता है, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए यही सबसे आसान तरीका है। 1998 अब देखिए, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं हैदराबाद मिंट का स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए ए लायन वाला है, तो आपको ये ए लायन वाला 1998 हैदराबाद मिंट ढूंढना है।
अगर यूएनसी में मिलता है, अच्छे कंडीशन में मिलता है, अनयूज्ड मिलता है, घिसा हुआ नहीं होता है, तो इस सिक्के का आज की डेट में आपको मिल सकता है लगभग 3000 रुपीज, 3000 रुपये। बाकी जो नॉर्मल सिक्के हैं वो आम सिक्के होते हैं, कोई भी अदर्स लायन वैरायटी का। दूसरा जो है वो है 2002 का बी लाइन वाला। ये जो बी लाइन आपने देखा 1998 हैदराबाद मिंट ए लाइन, 2002 बी लाइन, ये जो बी लाइन मैंने आपको बताया, ऐसे बी लाइन आपको देखना है, बहुत कीमती है, या फिर कह सकते हैं 2002 हैदराबाद मिंट बी लाइन 7000 रुपीज कम से कम यूएनसी कंडीशन में, अनयूज्ड कंडीशन में। यूज्ड कंडीशन में क्या प्राइस होता है वो मैं बताऊंगा आपको, 1998 हैदराबाद मिंट भी बताऊंगा, और जो बी लाइन वाला जो 2002 हैदराबाद मिंट है वो भी मैं बताऊंगा। यूएनसी प्राइस सबसे पहले जान लेते हैं, 2002 हैदराबाद मिंट बी लाइन वाला, ध्यान दीजिए या फिर लिख कर रख सकते हैं आप कहीं पर भी, 2002 हैदराबाद मिंट। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको बार बार रिपीट करना पसंद नहीं है, लेकिन नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। 2002 हैदराबाद मिंट बी लाइन आज की डेट में अच्छे कंडीशन में, यूएनसी कंडीशन में प्राइस है लगभग 7000 रुपीज़, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, 7000 रुपये अच्छे कंडीशन में। इसके बाद जो सिक्का आता है वो है एक कमोडिटी सिक्का, वो है श्री अरविंद। ये जो थीम में सिक्का आया था भारत के 4 अलग अलग मिंट से आया था, लेकिन आपको ध्यान देना है कोलकाता मिंट, जिस सिक्के के जो मिंट ईयर होता है उसके नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा, मतलब कोलकाता मिंट का होगा। और इसका ए लाइन जो अभी आपने देखा या फिर जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, थोड़ा सा घिस गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, देखिए आपके लेफ्ट साइड में जितने भी लाइन्स है वो 3 लाइन्स है, आपके राइट साइड में जितने भी लाइन्स है जो मैंने आपको बताया वो देखिए 5 लाइन्स है। बी लाइन में 2 लाइन्स और 4 लाइन्स होता है। श्री अरविंद वाला कोलकाता मिंट ए लाइन आपको ढूंढना है आज की डेट में, अगर यूएनसी है, अच्छे कंडीशन में है, यूएनसी मतलब एकदम गोल्डन लस्टर नहीं होगा तो फिर भी चलेगा, लेकिन यूएनसी अनयूज्ड है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, यूज्ड नहीं है, आपको आज की डेट में मिलेगा लगभग 4000 रुपीज, 4000 रुपये यूएनसी कंडीशन में प्राइस हो गया। अब 1998 हैदराबाद मिंट फाइन कंडीशन में आपको मिलेगा 800 रुपये, फाइन कंडीशन से मेरा मतलब है बहुत घिसा पीटा, अगर ए लाइन है तो वेरी फाइन कंडीशन में 1200 से 1500 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 1800 से 2000 रुपये। 2002 हैदराबाद मिंट अगर बहुत यूज्ड कंडीशन में है, बी लाइन वाला, मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, 2002 हैदराबाद मिंट बी लाइन वाला फाइन कंडीशन में प्राइस है आज की डेट में लगभग 1200 रुपये, वेरी फाइन प्लस कंडीशन में 1500 से 1800 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 3000 से 3500 रुपीज, यूएनसी कंडीशन में 7000 रुपीज, मैंने आपको पहले एक बार बताया। और श्री अरविंद वाला कोलकाता मिंट ए लाइन फाइन कंडीशन में आपको मिलेगा 800 रुपये, वेरी फाइन प्लस कंडीशन में 1000 से 1200 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में आपको मिलेगा 2000 से 2500 रुपये, यूएनसी कंडीशन में 4000 रुपीज आपको मिल सकता है। ये जो सिक्के हैं देखिए, नॉर्मल और जो कॉमन सिक्के होते हैं उसके साथ ही घुला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, आसानी से मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिक्के के बारे में इस फील्ड में अगर प्रॉपर जानकारी लेंगे तो कॉमन सिक्के से आप, मतलब सीधे भाषा में चिल्लर से भी कीमती सिक्के आपको मिल सकता है। लायन वैरायटी वाला कोई भी सिक्का आपके पास है या फिर कोई भी रेयर सिक्का आपके पास है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए जानकारी लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।